बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल सादा है। आज हम बनाएंगे मक्खन। मक्खन किस तरह बनाते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आज हम मशीन के साथ मक्खन बनाएंगे। वैसे तो हम हैंड के साथ बहुत दफ़ा बनाया है, वो जो छोटी मदानी होती है। आज हम मशीन के साथ मक्खन बनाएंगे। मक्खन बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिसके साथ मैंने मक्खन बनाना है, जिस पे बर्तन रखना है, इस तरह का मेरे पास है ये चकोर सी बनी हुई है लकड़ी की। जी माशाल्लाह, ये मेरे पास बड़ा गडवा है जो पिंडों में होता है। तो इसमें 5 से 6 किलो मेरे पास ये मलाई है। फ्रीज़र में मैंने इसको जमा के रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने रात को निकाल लिया, ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें मशीन लगाते हैं। किस तरह मशीन मक्खन बनाती है, बहुत ही इजी है। इसके अंदर मैंने ठंडा गिलास पानी का एक ऐड किया, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने मदानी लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। इसमें 5 से 6 सेकंड के अंदर अंदर मक्खन बहुत ही आसानी से निकल आता है बग़ैर झंझट किए। जी माशाल्लाह, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही है। जी 5 से 6 सेकंड के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए आप, थोड़ा सा मक्खन बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे मक्खन हमारा रेडी नहीं हुआ है। थोड़ी देर के लिए पानी हमने डाला है, सिंपल जो पानी होता है, सादा टूटी का पानी हमने लिया है। तो तकरीबन ठंडा पानी था ये। तो अभी हम थोड़ी देर इसको और चलाएँगे मशीन को। सिर्फ 5 से 6 सेकंड के लिए हम मशीन को थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के मक्खन निकाल लेते हैं। जी हाथ के साथ आप एक दफ़ा इस तरह कर लें ताकि मक्खन हमारा अच्छे से सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान। आप देखें दूध से कितनी चीज़ें बनती हैं, मक्खन, पनीर, देसी घी, काफ़ी चीज़ों में देसी घी काफ़ी रेसिपी में यूज़ होता है। अभी हम हाथ की मदद से अच्छे से हम निकाल लेंगे मक्खन को। जी माशाल्लाह, आप देखें, ये देखें इस तरह से इसको हाथ के साथ इस तरह से ऊपर नीचे करें ताकि ये जो इसके अंदर लस्सी होती है, पानी होता है, वो सारा अच्छे से निकल जाए ताकि हमारा अच्छे से मक्खन निकल आए। तो सारा मक्खन निकालने के बाद आपसे मिलती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।